अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमन, वेलकम टू माई चैनल। बेली फैट कुछ भी कर लो कम नहीं होता। हम लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, स्लिम एंड ट्रिम हैं, लेकिन बेली फैट है कि अपनी जगह से हिलता ही नहीं। इतनी एक्सरसाइज कर ली, इतनी डाइट कर ली, बेली फैट अपनी जगह पर है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि वो कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से आपका बेली फैट नहीं हिलता। तो उनको आपने अपनी लाइफ से रिमूव करना है और आप देखेंगे कि आपके बेली फैट में वाज़े फ़र्क आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेली फैट होता क्यों है, उसके सबसे पहले रीजंस देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपको हो तो आपको बेली फैट होता है, जिसमें आ जाता है कि आपको या तो आपका हाई इंसुलिन लेवल हो सकता है, आपका लो प्रोजेस्टेरोन हो सकता है, लो ईस्ट्रोजन हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, थायराइड हो सकता है, इसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आपको बेली फैट है। और एक और रीज़न होता है अगर आपका बहुत ज़्यादा इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको बेली फैट होता है और उनको अपनी लाइफ से आपने रिमूव करना है, उसमें सबसे ऊपर आ जाता है स्ट्रेस। आपने देखा होगा कि वो तमाम फीमेल्स जो कहती हैं कि हम लोग बहुत स्लिम एंड ट्रिम हैं लेकिन हमारा बेली फैट है, तो आप नोट कीजिएगा कि आपको किसी ना किसी किस्म का स्ट्रेस ज़रूर होगा। और जब आपको स्ट्रेस होता है तो एक हार्मोन है जिस पर डायरेक्ट असर जाता है, उसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और उसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और मेटाबॉलिज्म का ये है कि जितना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा उतने ही जल्दी आप अपना वेट लूज़ करेंगे, आपका फैट बर्न होगा। और जितना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा उतना ही आपको वेट लूज़ करने में, फैट लूज़ करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो अगर आपको किसी भी किस्म का स्ट्रेस है तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आप अपने लिए कोई एक्टिविटी ढूंढें, अपने आप को बिज़ी रखें ताकि आपको आपका ध्यान स्ट्रेस वाली चीज़ों पर, जिन वजह से आपको स्ट्रेस होता है, उस तरफ ना जाए। दूसरी चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अगर आप कहते हैं कि मेडिटेशन किस तरह होती है तो यूट्यूब फुल है ऐसी वीडियोस के साथ जिसमें मेडिटेशन का प्रोसेस बताया हुआ है। योगा डिफरेंट किस्म के आपको बताए गए हैं यूट्यूब में, आप देखेंगे हज़ारों के हिसाब से आपके सामने वीडियोज़ आ जाएंगी जो कि आपको बताती हैं कि आप स्ट्रेस में किस तरह का योगा कर सकते हैं। तो जब भी आपको स्ट्रेस हो, आपने स्ट्रेस को भगाने के लिए अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी कर लेना है। दूसरी चीज़ समझने के लिए ये है कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप कॉर्टिसोल जो है वो आपकी भूख बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि वो तमाम लोग जिनको स्ट्रेस होता है वो कहते हैं कि हम लोग बस जो हाथ में आए खाने लग जाते हैं, हम चॉकलेट्स खाते हैं, हम फैटी चीज़ें खाते हैं, बस जो चीज़ें हों हम खाते हैं, माइंडलेस ईटिंग करते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से ये सब कुछ होता है, तो इसलिए आपने इन चीज़ों से भी बचना है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप योगा करेंगे, अपना ध्यान बटाए रखेंगे, तो ना आप माइंडलेस ईटिंग करेंगे, ना कॉर्टिसोल का प्रॉब्लम होगा और ना ही स्ट्रेस आपके करीब आने पाएगा। नेक्स्ट चीज़ है लैक ऑफ स्लीप। अगर आपकी नींद 6 घंटे से कम है तो मुबारक हो, आपको बेली फैट होगा ही होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी बॉडी को रिलैक्स रखने की, अपनी बॉडी को पूरी तरह से जितना उसको नींद चाहिए, अपने मसल्स को रिलैक्स रखने की। इसलिए ज़रूरी है कि आप 7 से 8 घंटे बीइंग एन एडल्ट नींद ज़रूर लो। और फ़ोन आपने अपने से दूर रखना है, क्योंकि हम बेशक जल्दी लेट जाते हैं लेकिन अगर हमारे पास फ़ोन है, हम फ़ोन में लगे रहते हैं और हमारा टाइम गुजरता जाता है, हमें पता नहीं चलता। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि गर्मी, बहुत एक्सट्रीम किस्म का टेम्परेचर ना हो, बहुत गर्म, बहुत ठंडा, इस तरह का टेम्परेचर भी ना हो, क्योंकि उससे भी आपकी नींद में खलल पड़ेगा। तो आपने नॉर्मल टेम्परेचर रखना है और 7 से 8 घंटे की नींद आपने ज़रूर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से आपका बेली फैट कम नहीं होता, आपने नोट किया होगा कि वो है अगर आप एक्सट्रीम किस्म की क्रैश डाइट करते हैं। क्योंकि जब आप क्रैश डाइट करते हैं, अपनी बॉडी को आप बहुत सी फूड आइटम से दूर रखते हैं एकदम से, वो भी, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड में चली जाती है, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, आपकी भूख बढ़ने लगती है। आप देखिएगा कि जब भी आप एक्सट्रीम डाइट शुरू करते हैं एकदम से, आपकी भूख पहले से ज़्यादा बढ़ती है। तो इस वजह से और इसका ये नुकसान होता है कि आप सारा दिन, आपने देखा होगा, डाइट करते हैं और रात को आप बस खाते जाते हैं, कंट्रोल आप खो देते हैं, तो उस वजह से भी आपको बेली फैट होता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अगर आप किसी भी किस्म की डाइट कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि आप डाइट नहीं करें, आप क्लीन ईटिंग करें। और अगर आप क्लीन ईटिंग नहीं करें, आप किसी भी किस्म की डाइट करें, तो आप उसमें ये ध्यान रखेंगे कि डाइट आपकी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो, अपनी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस लाएं, एकदम से सारी चेंजेस मत लेके आएं। नेक्स्ट रीज़न है रॉन्ग एक्सरसाइज। अगर आप समझते हैं कि मैं बस कार्डियो कर लूँगी और मेरा फैट ख़त्म हो जाएगा, मेरा बेली फैट ख़त्म हो जाएगा, पहली बात तो आप ये याद रखें कि आप जो है स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते। अगर आप, मुझे बहुत सी फीमेल्स कहती हैं, आप भी, हम बाकी तो पतले हैं लेकिन हमारा बेली फैट है, हमारे हिप्स हैं, हमारे आर्म्स हैं, तो स्पॉट रिडक्शन आप नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि आप जो है 20-25 मिनट की एक्सरसाइज करें और साथ में जो भी आपका प्रॉब्लम एरिया है उसके लिए आप 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज कर लें।
तो उससे आपके बॉडी पर फ़र्क पड़ता है और पॉजिटिव पड़ता है। लेकिन अगर आप कहें कि यार मेरा बैली फैट ज़्यादा है तो मैं अब बस एब्स करती जाऊँ, क्रंचेज़ करती जाऊँ, एब एक्सरसाइजेज करती जाऊँ, ट्रस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं होगा। शायद 19-20 का पड़े लेकिन लॉन्ग टर्म फ़र्क वो नहीं आएगा। और अगर आप कहते हैं कि मैं बस कार्डियो कर रही हूँ, मैं कार्डियो ही करती जाऊँ, तो याद रखिएगा कि कार्डियो से भी आपका फैट बर्न नहीं होगा। आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ट्रेन यानी कि हाथ में कोई भी वेट लेके, वेट आप कुछ भी ले सकते हैं, आप डंबल्स ले सकते हैं, वाटर बॉटल ले सकते हैं, फूड कैन ले सकते हैं, वो लेके आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि आपके लिए 45-60 मिनट्स पर डे मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप जो है घंटों के हिसाब से एक्सरसाइज कर रहे हैं और 7 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आपके लिए नुकसानदेह है। एक टाइम आएगा शायद शुरू में तो आप थोड़ा सा वेट लूज़ करें, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप वेट लूज़ करना बंद कर देंगे, आप फैट लॉस करना बंद कर देंगे। तो इसलिए आपने एक्सरसाइज हमेशा जो है करनी है, तकरीबन आप जो है 30-45 मिनट इनफ, वरना 60 मैक्सिमम होना चाहिए 60 मिनट्स। और आपने वीक में 3-5 दिन एक्सरसाइज करनी है और 2 दिन आप अपनी बॉडी को रिलैक्स दें ताकि आपके मसल्स रेस्ट कर सकें। फिर जिस चीज़ से बचने आपने वो है क्रैप। क्रैप यानी कि सी फॉर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आर फॉर रिफाइंड शुगर से बनी हुई तमाम चीज़ें, ए फॉर आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनी हुई चीज़ें, और पी फॉर प्रोसेस फूड। जितनी भी प्रोसेस फूड हैं, जितने भी ये जो बाहर से आप फ्राइड फूड खाते हैं, बर्गर्स और पिज़्ज़ाज, ये सारी चीज़ें, इनसे आपने बचना है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर दें इन चीज़ों को, आप बिल्कुल नहीं करें। आप एक चीट डे रखें, जैसे कि आप 2 हफ्ते खूब अच्छी तरह से साफ़ सुथरी ईटिंग करें और 1 दिन आप चीट डे रखें जिसमें आप जो है पिज़्ज़ा खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, चिप्स खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप में ब्लॉटिंग करती हैं, और ब्लॉटिंग का मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपका पेट थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। अगर आपको हार्मोन्स की वजह से बैली फैट का प्रॉब्लम है तो आप स्पीयरमिंट टी ज़रूर पिएं, आप जो है ग्रीन टी ज़रूर पिएं। और लास्ट पॉइंट है एजिंग। आप जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है ना, 25 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। आप ये मत समझिएगा कि अगर मैं जो है 19 साल की जब थी तब मैं अगर ये चीज़ खाती थी और मेरा वेट बड़ी जल्दी कम होता था, तो अब 29 की होकर मैं यही खाऊंगी तो मेरा वेट उसी तरह से कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप 4-5 दफ़ा दिन में ज़रूर खाएं, जिसमें 3 तो आपके मील हो जाएंगे और जो 2 होंगे वो आपके स्नैक हो जाएंगे, और आपने जो है हल्की फुल्की क्लीन चीज़ें खानी हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इनमें से देख लीजिएगा कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आप करते हैं, और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके बैली फैट का असल रीज़न क्या। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।